अस्सलामुअलैकुम माय फ्रेंड, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के फजल और करम से आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही खूबसूरत वे लोग। जैसे कि आप देख रहे हैं, काओ काओ असली नहीं है, ये खिलौना है। यहाँ पे एक शॉप है लू जर्दीनी है, यानी कि हम जहाँ पे वो पौधे मिलते हैं, सब्जियाँ मिलती हैं जो हम अपने घर में गार्डन में प्लांट कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखें और स्किप किए बगैर देखें, आपको बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत ही मज़ेदार व्लॉग है मेरा। तो आइए देखते हैं। फिर हम जब दरवाजे के अंदर एंटर हुए थे तो हमें एक काऊ नज़र आई जो कि उन्होंने एक खिलौना बना के रखा हुआ था, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे बताया कि यहाँ काऊ के चीज़ें भी मिलती हैं और अपना गार्डन भी। आप ये देखें, फिर हम आए हैं यहाँ से। हमने थोड़ा सा एक छोटा सा पौधा एलवेरा का लिया था, इतना घूमे तो फिर भी ये हमने आता देख पाए थे, हमें ये इतना बड़ा था और इतना खूबसूरत। यहाँ से आपको हर किस्म के पौधे, फूलों वाले, सब्जियों वाले, सब्जियां मिल जाती हैं, सब्जियों को कुकनीरी मिल जाती है लगाने के लिए। ये देखिए,
देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा उन्होंने ये बनाया हुआ है सीन। और यहाँ पे गुलाब के हर तरह के पौधे, हर तरह के कलर के गुलाब आपको मिल जाते हैं। हम ढूंढ रहे थे ब्लैक रोज, तो ब्लैक रोज इस तरफ तो नजर नहीं आया। और ये देखें यहाँ पे उन्होंने सब्जियों की पनीर लगाई हुई है, फूलों की भी है मिक्स, जैसे ये ओनियन है। यहाँ से आप ले जाके अपने गार्डन में लगा सकते हैं, लेकिन ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव आती है। ढूंढ रही थी ग्रीन चिल्ली के पौधे, उसकी पनीरी मिल जाए, क्योंकि ग्रीन चिल्ली के ही पनीरी इस दफा मैं प्लांट नहीं कर सकी बहुत ज्यादा बारिशों की वजह से, तो मैंने कहा यहाँ से खरीद लूँ। तो ये देखें बहुत ही खूबसूरत फूलों के यहाँ छोटे छोटे पनीर लगी हुई है। जो बड़े पौधे होते हैं वो थोड़े से महंगे होते हैं, तो फिर लोग यहाँ से छोटे खरीद लेते हैं। तो माशाल्लाह देखें कितना प्यारा ये लग रहा है, और यहाँ इनको पानी भी दिया जाता है, और के दर्जा हरारत का भी ख्याल रखा जाता है, और बहुत ही प्यारे यहाँ के। ये देखें ये कैरोट की पनीरी थी, और ये ऊपर देखें कितने प्यारे, जो अपने अगर आपका घर अपना अलग घर है वहाँ पे आप ये सजा सकते हैं गमले। ये देखें यहाँ पे हमें ग्रीन चिली मिली थी, ये वाली तो काफ़ी महंगी थी, फिर मैंने छोटे ढूंढना शुरू की, ये पौधा बहुत महंगा था, लेकिन ये मुझे बहुत पसंद आया है। अभी तक मेरे दिल में है कि अगले मंथ जाके मैं इसको खरीद लूँगी। और इसके साथ मैंने देखा कि छोटे छोटे पौधे भी थे मुख्तलिफ, ये पंपकिन के ये पौधे हैं छोटे छोटे जो आपको नज़र आ रहे हैं। ये मुझे पनीरी मिली थी छोटे पौधों की शिमला मिर्च, और दूसरी मैंने खरीद ली है, तकरीबन 3-4 पौधे मैंने खरीदे, 3 यूरो का एक था ये। नेक्स्ट ये थे अभी 2-3 ही इनके पास, और नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं जाऊंगी और खरीदूंगी। ये देखें ग्रीन कोरिएंडर की भी पनीरी बेच रहे हैं ये, और इधर खूबसूरत खूबसूरत फूलों के पौधे हैं माशाल्लाह से, और हम ढूंढ रहे हैं ब्लैक रोज। ब्लैक रोज मेरी बेटी को बहुत पसंद आया, तो मैंने सोचा ये खरीद लूँ गार्डन में। वो कह रही थी मामा ये जरूर लगाइए। ये मेरे हस्बैंड दिखा रहे थे कि ये कौन कौन सा किस किस फ्रूट का, इधर फ्रूट्स के पौधे थे। मुझे ये इतना अच्छा लग रहा था कि मैं घूम घूम के फिर भी मैं देख रही थी कि आपके लिए मैं एक अच्छा सा व्लॉग बना के लेके जाऊं, फिर आप
ये देखें हर तरह के गुलाब लगे हुए हैं, और मैं नरेश पंड ने इनसे पूछा कि हमें गुलाब चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे पास ब्लैक और डायमंड हुआ होता है ना रेड कलर में, ब्लैक वो है। हमने कहा चलो वो तो जो मिल गया, एक ही आखिरी पौधा उनके पास बचा था जो हमने उनसे वो खरीद लिया। देखें कितने ज़्यादा हर कलर के आपको मिलेंगे रोज, और बहुत ही प्यारे लग रहे थे माशाल्लाह। येलो देखें कितना प्यारा लग। और फिर मेरे हस्बैंड ने एक, हमने वो वाला पौधा तो हमने खरीद ही लिया जो ब्लैक पेमेंट हुआ हुआ था रेड में, और फिर ये देखें कितने प्यारे हैं। फ्रेंड ज़रूर मुझे बताइएगा कि मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा, और मुझे आपके लिए और कैसे कैसे व्लॉग बनाने चाहिए और कौन सी रेसिपी बनानी चाहिए ज़रूर बताया करें कमेंट में। हम लोग आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, इतने अच्छे अच्छे व्लॉग और रेसिपीज बनाते हैं, तो हमारे लिए एक लाइक एक कमेंट तो बनता ही है ना अच्छा सा।
तो फ्रेंड आपने देखा कि आपको यहाँ से गार्डन की हर चीज़ मिल जाती है। और आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट में, और बहुत सारे दुआओं के साथ के अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे और बहुत सारा रिज़्क अता फरमाए। तो फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।